ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू काबरा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो आपको बता देते हैं कि वो मुद्दा ये है कि क्या दिल्ली की जनता वाकई है परेशान सड़कों पे आवारा पशुओं के होने से। आपको बता दे कि इसी के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 25,000 रुपए का चालान भी निकाल दिया है। उनका ये कहना है कि ये चालान इसलिए निकाला गया कि कोई भी आवारा पशु या जानवर सड़कों पे पाए गए तो 25,000 रुपए तक का चालान उनको भरना होगा। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि आवारा पशुओं के सड़कों पे होने से काफी ज्यादा सड़क हादसे भी हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिनके चलते काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनका क्या कहना है इस नियम पर। क्या उनको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नियम, निकाले गए नियम से वाकई में मिल पाएगी राहत? तो आइए चलते हैं और जानते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं कमला नगर में, जहां पे ना केवल कूड़ा और गंदगी मची हुई है बल्कि जो आवारा जानवर है, जो आवारा पशु है, वो भी ऐसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि हम सभी का मानना है कि भारत जैसे देश में गायों की पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, गाय माता कहा जाता है, तो आप इधर देख सकते हैं कि क्या हालात बने पड़े हैं। गाय जो है उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया इतनी ज्यादा गंदगी में, वो इधर प्लास्टिक, यहाँ के पड़े हुए गंदगी उठा उठा के खा रही हैं और इधर की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ये दिल्ली के लोगों के लिए। तो चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक नियम निकाला है कि अगर आवारा जानवर सड़कों पे पाए जाएंगे तो 25,000 रुपए तक का चलान होएगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आवारा जानवर तो कितने घूम रहे हैं यहाँ पर, देखिए गाय यहाँ पर घूम रही है, डॉग्स यहाँ पर घूम रहे हैं, हर चीज है। मतलब ये कूड़े के अंदर गाय खड़ी है, कूड़ा खा रही है, इनसे इनको परेशानी है, गाय मर भी सकती है। देखिए कितना मतलब दिक्कत वाला सामना है कि हम लोगों को यहाँ पर इतनी मतलब वो फील करनी पड़ रही है कि हम इस चीज को सोच नहीं सकते। ये चीज आपको लगता है जो नियम निकाला गया इससे लोगों को राहत मिल पाएगी? नहीं, कैसे मिल पाएगी? देखिए यहाँ पर कोई राहत वाली चीज ही नहीं है, जब कानून का पालन ही नहीं होगा कोई तो नहीं रहा कानून मिलेगी, तो ये चीज है। सर आपका क्या कहना है इसमें? सब मिले हुए हैं इसमें, क्या ये जानवर किसी को दिखाई नहीं दे रहे? सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब अनदेखा कर दिया जाता है इसको, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जानवर रोज इसी तरीके से रोज गाड़ी के बस के नीचे भागते हैं, कोई बस वाले का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी चलने वाले का हो रहा है, कभी स्कूटी वाले का हो रहा है, कौन देखने वाला है यहाँ पे? मैम यहाँ तो कोई नहीं देखने वाला, ये बीच में बैठ जाती है, इनके खुर में उगना चढ़ जाए बस, हम तो भगाते हैं इनको, ये तो खुर में चढ़ जाए तो यहीं पर पड़ी रहती है, ये कुछ नहीं कर सकता कोई किसी का, कोई इनको देखने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी देखने वाला नहीं है यहाँ पर, सब बोलने वाले ही आते हैं। पीछे भगे तो ये रोड पे भगती है, जिस कारण से एक्सीडेंट होते ही होते हैं और जरूर होते हैं। कल भी कई एक्सीडेंट हुए गायों की वजह से ही हुए, 3-4 एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे ये गाय यहाँ से डॉगी इनके पीछे भागते हैं, ई रिक्शे वाले से टकराते हैं, स्कूटी से टकराए हैं, काफी एक्सीडेंट हुए कल भी। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो नियम निकाला है उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने, इससे मतलब राहत मिल पाएगी जनता को? कहाँ मिल पा रही है अभी तो कोई, अभी तक तो हम तो जब से देख रहे 4 दिन से हम शॉप बंद करके बैठे हुए हैं, अभी तक तो हमने किसी को देखा ही नहीं यहाँ से, किसी गाय को या आवारा पशु को यहाँ से लेकर जाते हुए, तो कोई अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो खेल है ये रोजाना का है कि अभी MCD के यहाँ पे कूड़ा मौजूद होने से यहाँ पे गायें देखने को मिल रही है यार? अभी, रोजाना अभी तो फिलहाल तो 4-5 दिन से जब से कूड़ा हुआ है तो ज्यादा हो गया है, वैसे तो सब अपनी गायें अंदर ही बांध लेते हैं, कुछ भी करते हैं, अब तो उन्होंने अभी ओपन छोड़ रखी गायें वगैरह भी। ये जुर्माना आप 50,000 रुपए का कर दें, जब तक आपका अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक कॉर्पोरेशन के जो इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो लोकल है, इनका वेटरनरी डिपार्टमेंट है, जब तक उसके ऊपर आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, जब तक निगम पार्षद के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, जब तक 25,000 का जुर्माना कर लें, 50,000 का जुर्माना कर लें, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप सरकार को चाहिए
कि भ्रष्टाचार के साथ साथ पहले इनकी सैलरी पूरी दें, जिससे कि ये जो गऊं और घूम रही हैं रोडों के ऊपर और वो कूड़ा खा रही हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। सरकार ने अलग अलग कॉलोनियां बनाई हुई हैं, डेयरी कॉलोनियां, वहाँ पर क्यों नहीं इनको भेजते? वहाँ पर भेजना चाहिए पशुओं को, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, सब लोग मिले हुए हैं, उनको पहली सूचना दी जाती है पशुओं वालों को कि भाई आप आज इस वार्ड में आएंगे, क्योंकि वार्ड सारे आपस में क्लैश कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं, सब बाउंड्री वाले उनकी एक दूसरे उसमें चले जाते हैं वो, और उनका वार्ड वाइज ये प्रोग्राम लगाते हैं, ज्वाइंटली प्रोग्राम नहीं लगाते, और पुलिस मिली हुई है और कॉर्पोरेशन के अधिकारी मिले हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। चालान का कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। तो आपको नहीं लगता कि इससे इस ये जो नियम निकाला है इससे कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, ये तो सिर्फ पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, क्योंकि लोग देख रहे हैं गायें किस तरह घूम रही है। जब तक लोकल काउंसलर, ये डायरेक्ट काउंसलर की जिम्मेदारी है, जब तक लोकल काउंसलर इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेगा, उसको खुद देखना चाहिए कि मेरे यहाँ पे जितने भी गायें बंधी हुई हैं उसको पता है कहाँ कहाँ पर दूध निकालते हैं, कहाँ कहाँ पर मवेशियाँ हैं, तो सबसे पहले उसको उठा करके जहाँ डेयरी कॉलोनी सरकार ने अलॉट किए हैं वहाँ पर भेजे उनको, वहाँ क्यों नहीं भेजते वो उसको? सवाल तो ये है ना, आप 25,000 का चालान करते हैं, 50,000 वो कहाँ से देगा? 20,000 रुपये गायें, 25,000 का जुर्माना लगा दिया, ये सब पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सड़कों पे मौजूद होने से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गायों के रहने से तो गोबर पहले ही होती है, उसके बाद गाड़ी वाले ज्यादा गोबर से गंदगी होती है, और गाड़ी भी स्लिप करके बंदे गिर भी जाते हैं, यही परेशानी होती है बंदे को, कष्ट बंदे बाहर से भी आते। तो अभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक नियम निकाला है कि जो भी पालतू जानवर सड़कों पे मिलेगा 25,000 का चालान होगा, तो आपको लगता है इससे कोई फायदा मिल पाएगा लोगों को? अब तो सरकारी जाने के मैंने पर ये फायदा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जनता के लिए निकाला है, आपको क्या लगता है इससे राहत मिल पाएगी? राहत तो मिलेगी मैडम। तो आखिर अब लोगों से बात करके यही पता चला, जी हाँ हम आपको बता देते हैं कि बात करके यही पता चला कि उनका यही कहना था कि जो सड़कों पे आवारा जानवर और पशु जो हमें देखने को मिलते हैं उसके चक्कर में कभी हम या हमारे परिवार के सदस्य कोई दुर्घटना का शिकार ना बन जाए। उनका ये कहना है कि ऐसे जानवरों का सड़क पे मौजूद होने से काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके चलते जो है जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाती है, लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलती है। और जब हमने उनको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नए नियम के बारे में बताया कि इस पे जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है और 25,000 कर दिया गया है, तो लोगों का यही कहना था कि अब देखना ये होगा कि क्या ये नियम भी काम कर पाएगा। उन्होंने जो थी इस नियम को भी लेके उम्मीद छोड़ दी थी, उनका ये कहना था कि ये नियम भी शायद ही काम करे, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए जो है आवारा जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भरपूर मात्रा में है, ऐसे में लोगों से जुर्माना लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन काव्य के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीम। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।